हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार, अगर जापान में अपनी लाइफ को इंजॉयफुल बनाना है ना, तो भाई साहब यहाँ पे तगड़ा आपको घूमना फिरना पड़ेगा और पार्टी सार्टी इंजॉय करनी पड़ेगी, अपनी जो भी यार दोस्तों की पार्टी होती है। और अगर जो वही मतलब कि सेम काम होता है ना, कि जैसे जॉब से आओ और वही चार दीवारें देखो, वही खाना बनाओ, सो जाओ, तो भाई साहब यहाँ पे फिर जो लाइफ है ना, बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। और जो जापान में रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझता है। और ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आज है सैटरडे और मेरा जॉब भी थी, बट मैं जॉब से छुट्टी लेके भाग आया, वो इसलिए क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का है बर्थडे और उसकी पार्टी को करनी है आज इंजॉय। तो मैंने अपने कंपनी में बोला कि भाई साहब मुझे चाहिए छुट्टी, मुझे जाना है, बर्थडे इंजॉय करना है। तो आज सैटरडे है और कल संडे का मेरा प्लान है कुछ जैपनीज लोगों के साथ में, सुशी होती ना वो बनाने का प्रोग्राम है। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो दोनों को कंबाइंड कर दूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना बर्थडे बॉय और जी कैसे मस्त हो? हाँ जी बर्थडे बॉय, क्या हाल है? मस्त हो? बर्थडे बॉय भाई। देखो भाई यहाँ पे तगड़ी पार्टी चल रही है, तो सिंगर सुंगर लगे हैं। वो जो देखा वो बोस के JBL के सबसे पुराने वाले स्पीकर है, उसका आवाज अगर सुनेंगे तो पागल हो जाएगी। अच्छा करना ना, जूम करना, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम। लग ही रहा है बनाने से, है ना? वो सही बोल रहा है भाई, थोड़ा लकड़ी का बना। अभी तो खुला नहीं, पुराने लाइटर्स वगैरह सब है। अच्छा, सब पुराने जुदो अंबाई की सब है, सब है अंदर। हाँ देखो, पुम पुम। हाँ, वो खाना भी ना रहेगा उनको। सेंसेई ओसाकी ने मजा ले आ। ये पूरा म्यूजियम है यार, देखो कितने पुराने पुराने आइटम वगैरह इन्होंने रख रखा है। ये भाई बता रहे थे यहाँ पे जो JBL के साउंड है ना, बहुत पुराने हैं, मतलब कि सबसे पहले के। You know what time it is? Disco time.
जी गुड मॉर्निंग। तो यार रात वाली पार्टी हो गई ख़त्म, अब हो गई है सुबह। तो वो बताया था ना कि एक जैपनीज इवेंट है, वहाँ पे जाना है, तो अब वहीं पे जा रहा हूँ। इस स्टेशन का नाम है ताकेओ ओनसेन स्टेशन। ये अभी बिल्कुल न्यू बना हुआ है और यहाँ पे अभी पहले ट्रेन ट्रून आती नहीं थी, अब तो यहाँ पे शिनकानसेन आती है। गेम खेल रहे हैं अंकल लोग। यार मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये देखो जैसे कि हम इंडिया वगैरह में टेंपल के जो जहीं कहीं पे जाते हैं ना पहाड़ वहाड़ चढ़ के, तो ऐसे ही रास्ते दिखाई देते हैं, तो वैसे ही लग रहा है सेम टू सेम, मतलब कि बढ़िया लग रहा है यार। और सुनसान भी है, तो देखते हैं अगर टिकट वगैरह नहीं हुई तो यार मैं तो फिर ओनसेन हाई रही हो, बट अगर टिकट वगैरह हुई तो टाइम भी लग सकता है शायद, तो इसलिए फिर वहाँ पर भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। ये रहा सामने यार, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक्चुअली संडे भी है ना इसलिए। यार ये ओनसेन है और इसके अंदर जाना चाहता हूँ मैं, बट वो जो मेरा दोस्त का वेट कर रहा हूँ ना, तब वो भी आ रहा है, तो फिर मुझे लगा फिर आता है तो साथ में ही जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो एक मैप होता है जापान में, हर जगह होता है टूरिस्ट प्लेस में, इसमें कुछ प्लेसेस के नाम होते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मतलब कि हिस्टोरिकल होता है कि मतलब कि किस बंदे ने यहाँ पे बनाया हुआ है, बायोग्राफी लिखी होती है। तो जैसे ये स्टेशन है ना ताकेओ ओनसेन शिनकान एंड रोमन, तो इस बंदे ने 1950 में बनाया, एक फेमस आर्किटेक्चर है। और देखो बनाया किसने, हु डिज़ाइन टोक्यो स्टेशन, मतलब कि जिसने भी टोक्यो स्टेशन को डिज़ाइन किया था उसी बंदे ने इस स्टेशन को डिज़ाइन किया। बाकी ये नीचे भी और भी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये बना रहे हैं हम लोग। डालते ही हैं। एक बार भाई बना चल। ये खुद बनाना है फिर बना के खाना है। ये टीचर हैं सिखाने वाले। So this, ये तिली है भाई, तिली इसमें डाला जा रहा है। कोई नमय नाम तो ही मस्त का इनारी दिस Hey,
चिंता में रहो। फिनिश कर दिया भाई बना के हमने। चल गुड़ाई नो गोनी नो बुना।